हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस अध्ययन। आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग योर स्टडी वेल। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी सम मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन चैप्टर क्रॉप्स प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, एंड दिस इज पार्ट टू ऑफ दिस वीडियो सीरीज। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, इफ यू आर न्यू इन आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट ऑल नोटिफिकेशंस फॉर फर्दर वीडियोज। नाउ स्टार्ट द वीडियो। So students, in this video we are starting from question number 11, as we have already done 10 questions in part 1 of this video series. So what is question number 11? Organic farming does not include option number A, green manures, option number B, chemical fertilizers, option number C, crop rotation, and option number D, compost and farmyard manures. तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि जो organic farming होती है उसके अंदर क्या include नहीं होती है। तो organic जो farming की जाती है वो क्या होती है, वो purely जो है वो natural होती है, तो उसमें किसी भी तरह के केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो इसका जो है इंक्लूजन यहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग में नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 इज ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स इन डेफिनेट रो पैटर्न इज ऑप्शन नंबर ए मिक्स्ड फार्मिंग, ऑप्शन नंबर बी मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड ऑप्शन नंबर सी इंटर क्रॉपिंग। तो क्या बोल रहा है कि जो दो या दो से अधिक क्रॉप्स होते हैं उनको डेफिनेट रो पैटर्न में अगर हम ग्रो करते हैं तो ये क्रॉपिंग किस तरह की कहलाती है, ये फार्मिंग किस तरह की होती है। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंटर क्रॉपिंग। तो इंटर क्रॉपिंग में हम क्या करते हैं, जो दो या दो से अधिक जो क्रॉप्स होते हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं या सेम भी हो सकते हैं, तो उनको क्या करते हैं हम डेफिनेट जो रो पैटर्न होती है उसमें ही इनको क्या किया जाता है, इनका यहां पर प्रोडक्शन किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है मूंग और शुगर केन की जो है इंटरक्रॉपिंग की गई है और किस तरह से ये डेफिनेट जो है यहाँ पर रो पर जो है इनकी यहाँ पर क्रॉपिंग की गई है। तो इस तरह की जो क्रॉपिंग होती है उसे ही हम बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। क्वेश्चन नंबर 13 इज विच वन इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉर द क्रॉप प्लांट्स, ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी आयरन, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम। तो यहाँ पर पूछा गया है कि क्रॉप प्लांट्स के लिए इनमें से कौन से है जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है। तो अभी हम देखेंगे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं और मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं, तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आयरन। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ये इस तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि क्रॉप प्लांट्स को क्या चाहिए, स्मॉल अमाउंट में इनकी ज़रूरत होती है क्रॉप प्लांट्स को। तो यहाँ पर ये एक लिस्ट दे रखी है, इसे आप लर्न कर लीजिएगा क्योंकि ये आपको किसी भी कंपटीशन में ज़रूर से ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट है, इसे आप जो है वो अच्छे से लर्न कर सकते हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ ही मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो कि क्रॉप प्लांट्स को क्या चाहिए, लार्ज अमाउंट में इनकी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर एक लिस्ट दे रखी है जिसमें कि नॉन मिनरल एलिमेंट्स, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स एंड सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स दिए हुए हैं। तो ये टोटल जो लिस्ट है इसे आप लर्न कर सकते हैं, आपको ये किसी भी कंपटीशन में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। क्वेश्चन नंबर 14 इज द कॉमन बायो फर्टिलाइजर्स यूज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग इज ऑप्शन नंबर ए मारगोसा, ऑप्शन नंबर बी पायरीथ्रियम, ऑप्शन नंबर सी ग्रीन मैन्योर एंड ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। तो कॉमन बायो फर्टिलाइजर्स जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज़ किए जाते हैं वो क्या है हमारे, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 इज ग्रोइंग एंड मैनेजिंग ऑफ वेजिटेबल्स इज ऑप्शन नंबर ए एग्रोनॉमी, ऑप्शन नंबर बी हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन नंबर सी ऑलरीकल्चर एंड ऑप्शन नंबर डी एक्वा कल्चर। तो जो वेजिटेबल्स की ग्रोइंग और मैनेजिंग की जाती है तो उस कल्चर को हम बोलते हैं ऑलरीकल्चर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 इज द बम्पर इंक्रीज इन द यील्ड ऑफ फूड ग्रेन्स इज ऑप्शन नंबर ए गोल्डन रिवॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड ऑप्शन नंबर सी पिंक रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि जो फूड ग्रेन्स की जो बम्पर इंक्रीजमेंट होती है उनके जो प्रोडक्शन में, तो उस तरह के जो रिवॉल्यूशन होता है उसे क्या बोला जाता है। तो ये फूड ग्रेन्स है यानी कि ये ग्रीन कलर के होते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 इज हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर ए एनी बोरलॉग, ऑप्शन नंबर बी एम एस स्वामीनाथन एंड ऑप्शन नंबर सी बी एस साहनी। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि जो इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसके फादर कौन है। ऐसा होता है कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन होता है तो बहुत सारे जो बच्चे हैं वो क्या आंसर लगा देते हैं, वो नॉर्मल बोरलॉग जो है वो आंसर लगा देते हैं, लेकिन ये राइट आंसर यहाँ पर पूछा गया है इंडियन, इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर भी, दैट इज एम एस स्वामीनाथन। तो इन्हें ही बोला जाता है इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर।
क्वेश्चन नंबर 18 इज ब्लाइट डिजीज ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय ऑप्शन नंबर ए फंगस, ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरिया एंड ऑप्शन नंबर सी वायरस। तो राइस में जो ब्लाइट डिजीज होती है तो उसका जो काउज होता है वो क्या होता है, तो बैक्टीरिया के द्वारा ये बीमारी होती है। तो इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से कुछ डिजीज जो क्रॉप्स के अंदर होती है उनकी मैं लिस्ट अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी, तो आप इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले लीजिएगा और ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको लिस्ट जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 इज लेग्यूमिनस प्लांट हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल विद ऑप्शन नंबर ए फास्फोरस, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन एंड ऑप्शन नंबर सी आयरन। तो क्या बोला गया है कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं वो सॉइल के किस तरह से हेल्प करते हैं, यानी कि उनके अंदर कौन से न्यूट्रिएंट जो है सॉइल में जो प्रोवाइड किए जाते हैं लेग्यूमिनस प्लांट के द्वारा। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नाइट्रोजन। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स जहाँ जिस भी सॉइल में होते हैं वहाँ पर किसकी अधिकता पाई जाती है, तो वहां पर नाइट्रोजन की अधिकता पाई जाती है। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स कैसे होते हैं, जैसे कि ग्राम का प्लांट है तो वो क्या होता है, वो लेग्यूमिनस प्लांट होता है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज द ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप इन प्लो इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर ए प्लो शाफ्ट, ऑप्शन नंबर बी प्लो शेयर, ऑप्शन नंबर सी बेंट प्लेट एंड ऑप्शन नंबर डी बीम। तो यहाँ पर एक डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये एक जो है ये प्लो है यहाँ पर, तो ये जो है इसके जो ट्रायंगुलर ये आगे की साइड जो ये स्ट्रिप होती है तो इसे क्या बोला जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्लो शेयर। तो यही जो ट्रायंगुलर शेप होती है इसे ही हम बोलते हैं प्लो शेयर। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने टोटल जो है इस तरह से 20 क्वेश्चन जो है पार्ट वन और पार्ट टू में कवर कर दिए हैं। तो मुझे लगता है आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हुए होंगे और ये वीडियो आपको NSU की प्रिपरेशन में भी जरूर से जरूर मदद करेगी। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक पढ़ते रहिए, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।